1947 में बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार, शोषण और जुल्म ढाना शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का दमन और उनकी संस्कृतियों को नष्ट करने में पश्चिमी पाकिस्तान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब बांग्ला भाषी लोगों ने भेदभाव के खिलाफ अपना विरोध जताया तो बदले में उन्हें गोलियों की बौछार मिली। लाखों हत्याएं और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन उस बेहद कठिन समय में एक करिश्माई व्यक्ति लगातार बिना झुके बिना रुके लड़ रहा था, और वो तब तक लड़ता रहा जब तक इस बंगाली अस्मिता से जुड़े आंदोलन को मंजिल तक ना पहुंचा दिया, एक अलग राष्ट्र स्थापित ना कर दिया। भारत ने इस अस्मिता की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान का साथ देकर मानवता का धर्म निभाया, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब पूरी दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभर कर सामने आया जिसका नाम था बांग्लादेश, और उस व्यक्ति का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता और बंगबंधु भी कहा जाता है। उन्हें बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनाया गया। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन की और बांग्लादेश बनने में भारत की भूमिका की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। बांग्लादेश की आजादी के प्रणेता और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रगति में उनके योगदान की सराहना की। बांग्लादेश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। बांग्लादेश की प्रगति के लिए शेख मुजीबुर रहमान के साहस और अमिट योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। 17 मार्च को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर पूरे बांग्लादेश में जश्न मनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या किए जाने तक प्रधानमंत्री रहे। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पीछे की प्रेरणा शक्ति माना जाता है और उन्हें बंगबंधु यानी बंगाल का मित्र की उपाधि दी गई है। आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। आइए जानते हैं शेख मुजीबुर रहमान की जीवनी और बांग्लादेश की आजादी में उनकी भूमिका के बारे में। बांग्लादेश का जन्म 1971 में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी। महज 23 साल पहले जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो मौजूदा बांग्लादेश उसका पूर्वी हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तान धार्मिक आधार पर भारत से अलग होकर नया देश बना। पूर्वी बंगाल धर्म की आंधी उड़कर पाकिस्तान के साथ गई, लेकिन धर्मांधता दोनों को बांध कर ना रख सकी। स्थापना के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सेक्युलरिज्म और समानता के लिए तमाम वादे किए, लेकिन उन्हें निभा ना सके। पूर्वी पाकिस्तान में बराबरी के लिए आंदोलन हुए तो पाकिस्तान ने लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के इस हिस्से में लोगों की आवाज बनकर सामने आए। उनका जन्म गोपालगंज में हुआ था और ये पद्मा नदी के साउथ में है, और स्कूलिंग इन्होंने इस्लामिया कॉलेज में की थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने स्टूडेंट थे तब से ही उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर दी, और वो सोहरावर्दी साहब के साथ उन्होंने शुरुआत की। तो उस टाइम पर सोहरावर्दी की जो पार्टी थी वो मुस्लिम लीग की थी, और इस मुस्लिम लीग ने इनका एक ही पॉइंट था कि मुस्लिम्स के लिए एक नया, जैसे कि जिन्ना साहब के साथ थे ये, और वो चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग से स्टेट हो जाए। तो वहाँ पर उन्होंने सोहरावर्दी के साथ इसका योगदान किया,
और अल्टीमेटली जाके फिर पाकिस्तान जब बना तो ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दो हिस्से बन गए थे। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को ढाका के नज़दीक गोपालगंज जिले में हुआ था। उनके पिता शेख लुत्फर रहमान गोपालगंज जिला सिविल कोर्ट में दस्तावेजों की देखरेख का काम करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज में हुई। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शेख मुजीब ने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के जरिए छात्र राजनीति शुरू की। 1943 में वो बंगाल मुस्लिम लीग के सदस्य बने। इस दौरान वो पाकिस्तान आंदोलन से जुड़े। हुसैन शहीद सोहावर्दी से नज़दीकी के चलते मुस्लिम लीग में उनका कद बढ़ता चला गया। आज़ादी के बाद जब उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बनाने का ऐलान हुआ तो शेख मुजीब इसके विरोध में आ गए और उन्होंने मुस्लिम लीग को अलविदा कह दिया। 1948 में एक अवामी मुस्लिम लीग की पार्टी बनाई थी सोहरावर्दी ने, और ये एजिटेशन वहाँ से शुरू किया। और इस एजिटेशन में मुजीबुर रहमान ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो पहली दरार जो पड़ी वो दरार यहाँ से पड़ना शुरू हुई। उसके बाद जाके 1963 में जब इनका डेथ हो गया था सोहरावर्दी का, तो शेख मुजीबुर रहमान ने फिर पार्टी संभाली। और उसके बाद उन्होंने, क्योंकि ये चाहते थे कि ये सेकुलर पार्टी हो, तो जो मुस्लिम शब्द था अवामी मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम शब्द हटा दिया और फिर अवामी लीग ये पार्टी बन गई। अब जब ये पार्टी बन गई तो शेख मुजीबुर ने एक चीज़ देखी। अगर आप इतिहास को देखते हैं तो उन्होंने देखा कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी फंड्स हो रहा है, जो भी है, वो सब वेस्ट पाकिस्तान में ही है और इसमें ईस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने फिर सरकार को अपना 6 पॉइंट एजेंडा दिया कि ये 6 पॉइंट होने चाहिए। और उसमें बेसिकली वो कह रहे थे कि जो फेडरल स्टेट है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, और बाकी जैसे कि करेंसी वगैरह वगैरह जो भी है और बाकी जो हम इंटरनल डीलिंग्स हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये बात फिर वेस्ट पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी और इन दोनों के बीच में फिर ये टेंशन जो शुरू वहाँ से फिर शुरू और आगे होते गए। इसके बाद जब हुसैन शहीद सोहावर्दी और यार मोहम्मद खान ने अवामी मुस्लिम लीग बनाई तो शेख मुजीब इसका अहम हिस्सा थे। 1953 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1955 से 1958 तक वो पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य रहे। 1963 में सोहावर्दी की मौत के बाद वो अवामी लीग के अध्यक्ष बने। 1968 में वो जनरल यूब के खिलाफ आंदोलन का हिस्सा बने। 2 दिसंबर 1969 को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाएगा। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। आखिरकार 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। शेख मुजीब आज़ाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी चुने गए। 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्ता पलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा लगातार उपेक्षा, सियासी तिरस्कार और शोषण ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों को आक्रोश और घृणा से भर दिया, जिसका नतीजा था पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम। वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971 और घटना थी बांग्लादेश की मुक्ति की। इस दिन पूर्वी पाकिस्तान भारत के सहयोग से पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों, उसके शोषण और सियासी तिरस्कारों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन आज़ादी की ये लड़ाई बंग बंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ शुरू हुई और आज़ादी मिलने के बाद से हर साल बांग्लादेश 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। दरअसल 1947 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर एक राष्ट्र थे। 1947 में अंग्रेजों ने भारत से जाने का फैसला किया। जाने से पहले अंग्रेज भारत को 2 हिस्सों में बांटकर चले गए। बंटवारे के बाद 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन धर्म पाकिस्तान को लंबे अरसे तक बांध कर नहीं रख सका। तब मौजूदा पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान।
आज़ादी के कुछ साल बाद ही पंजाबी प्रभुत्व और पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ पूर्वी हिस्से में असंतोष पनपने लगा। जब हम आते हैं मार्च, 7 मार्च है मेरे ख्याल से, एक तरफ 7 मार्च 1971 की जब बात है, तो एक तरफ से शेख मुजीबुर रहमान ने एक डिक्लेरेशन कर दिया कि हम आज़ाद देश चाहते हैं, आज़ादी की एक तरह से डिक्लेरेशन कर दी। और जब हम जाते हैं कुछ दिनों के बाद, एक पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। ये मेरे ख्याल से 26 मार्च को शुरू किया था, 25 या 26 मार्च को 1971 में। और इस ऑपरेशन से क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले तो मुजीबुर रहमान को कैद में ले लिया और वेस्ट पाकिस्तान भेज दिया। उसके बाद एक मिलिट्री क्रैकडाउन शुरू हुआ बांग्लादेश में। अभी इस मिलिट्री क्रैकडाउन में हजारों लाखों की तादाद में लोग मारे गए। पाकिस्तान के जन्म के साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ भेदभाव शुरू हो गया। 1948 में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बांग्ला भाषी लोगों में इसे लेकर गुस्सा भड़क उठा। ढाका में छात्रों के एक बड़े समूह ने बांग्ला को बराबरी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई। कई निहत्थे लोग इस गोलीबारी में मारे गए। इसके बाद बांग्ला आंदोलन हिंसक हो गया। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान को लेकर अलग देश की मांग के बीज बो दिए। इस आंदोलन ने बंगाली राष्ट्रीय अस्मिता को जन्म दिया और फिर शुरू हुई अलग राष्ट्र बनाने की मांग। फिर पाकिस्तान जब बना तो ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दो हिस्से बन गए थे, लेकिन उसके बाद जाके पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गए। और ये प्रॉब्लम लैंग्वेज इशू के ऊपर हुआ, क्योंकि इस समय पर क्या हुआ था कि जहाँ तक पाकिस्तान की बात थी, उन्होंने सोचा कि हम देश को किस प्रकार से यूनाइट करें। अभी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में तो पूरा भारत था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के बीच में भी सिंधी थे, पश्तून थे, पंजाबी थे, पठान थे, और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी थी। तो उन्होंने सोचा कि हम एक आइडेंटिटी कैसे बनाएं। तो उन्होंने बोला ये आइडेंटिटी सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर होगी, एक इस्लाम के ऊपर और दूसरी भाषा के ऊपर, और भाषा उन्होंने उर्दू रख दी। अब जाके ये बात फिर ईस्ट बंगाल को पसंद नहीं आई, जो ईस्ट पाकिस्तान था उनको फिर पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बोला हमारी तो भाषा बंगाली है और ये हमें मंजूर नहीं है। दूसरी बात इसमें ये आ गई थी कि जितने भी रिसोर्सेज थे पाकिस्तान के, जब हम कंबाइंड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वो सब खर्च वेस्ट पाकिस्तान में ही होते थे। तो जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसका फ़ायदा वेस्ट पाकिस्तान को हो रहा था। नौकरियों में, गवर्नमेंट में, मिलिट्री में, आप किसी भी चीज़ में लगा दीजिए, पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान का ज़्यादा था, वेस्ट पाकिस्तान का कम था। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो ईस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता था, नौकरियां नहीं थी, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, और वेस्ट पाकिस्तान को सब कुछ मिल जाता था। लेकिन जिस घटना ने बांग्लादेश के लोगों को अलग राष्ट्र बनाने पर मजबूर कर दिया, वो था 1970 में हुए पाकिस्तान का आम चुनाव। इस चुनाव के नतीजों ने पाकिस्तान का विघटन तय कर दिया। दरअसल आवामी लीग को इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट मिली, लेकिन पश्चिम में जुल्फिकार अली भुट्टो की PPP को ज्यादा सीट हासिल हुई। भुट्टो ने चुनाव परिणाम को ही मानने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम, जिसके बाद बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को बरगलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमाओं में घुसने लगे। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की लड़ाई अब भारत की लड़ाई है, और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। जब ये इलेक्शंस हुए तब तो शेख मुजीबुर रहमान इस इलेक्शंस को पूरी मेजॉरिटी से जीत गया। जब दोनों तरफ की वोटें गिनी गई, वेस्ट पाकिस्तान की भी और ईस्ट पाकिस्तान की भी, तब जाके शेख मुजीबुर रहमान क्लियर विनर था। लेकिन उन्होंने फिर उसको सत्ता नहीं, भुट्टो ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ईस्ट पाकिस्तानी वाले ये हम उसको प्रधानमंत्री बना दें, हक तो हमारा है, हम वेस्ट पाकिस्तानी हैं। तो ये जो घमंड था वेस्ट पाकिस्तान का, खास करके पंजाब
जो पाकिस्तान पंजाब है वो अभी तक भी वो घमंड उनसे गया नहीं है, और वही एक कारण था कि जब इलेक्शन हारने के बाद भी उन्होंने सत्ता नहीं दी। तो ये सिविल डिसोबीडियंस चला, और जब ये सिविल डिसोबीडियंस चला तब जाके जो अत्याचार हुए ये एक जेनोसाइड हुआ है। और सबसे बड़े दुख की बात ये होती है कि उस बार दुनिया चुप रही, भारत के अलावा और कोई सामने आया नहीं, सिर्फ भारत ने उनको शरण दी इधर। तो ये जो सबसे बड़े कारण था, ये मैं समझता हूँ कि वेस्ट पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं समझा कि ये जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं ये भी अपने हैं। उनको शुरू से ही 1947 से ही उन्होंने इसको एक कॉलोनी की तरफ से रखा। दरअसल बांग्लादेश के जन्म के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास कायम रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बना रहा। बांग्लादेश पाकिस्तान पर उसकी अंदरूनी राजनीति में दखल देने का आरोप लगाता रहा है। जब मुक्ति आंदोलन का दमन करने के आरोप में बांग्लादेश की जमाते इस्लामी के कई नेताओं को फांसी दी गई, तो पाकिस्तान ने इस पर एतराज जताया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ गया। जमाते इस्लामी पर बांग्ला मुक्ति आंदोलन के दमन में पाकिस्तानी फौज का साथ देने के आरोप हैं। भरत सिंह दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने जब पश्चिमी पाकिस्तान के दमन के खिलाफ आवाज उठाई तो उस पर जुर्म ढाए गए। ऐसे में मदद की गुहार भारत से ही लगाई गई। भारत ने भी आगे बढ़कर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में हर संभव मदद की। बांग्लादेश भी मानता है कि बिना भारत के योगदान के उसे आजादी नहीं मिल सकती थी। भारत से अलग होने के बाद अपने अस्तित्व में आते ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम और लगातार बढ़ते अत्याचार के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में शरण लेने को मजबूर होने लगे। देखते ही देखते भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। तत्कालीन भारत सरकार ने न सिर्फ इन शरणार्थियों की मदद की बल्कि उनके लिए बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा में राहत शिविर भी लगवाए। पाकिस्तानी सेना के आतंक से बचने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत आने से शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। क्या हुआ था कि शुरू शुरू में जब ये प्रॉब्लम हुआ था तो भारत ने तो कोई इंटरफेरेंस नहीं की, क्योंकि भारत ने समझा कि ये उनका अंदरूनी मामला है। तो जब रेफ्यूजीज आना शुरू हुए भारत में, जब रेफ्यूजीज आना शुरू हुए आने में, तो क्या हुआ इसके बाद कि भारत ने कुछ हद तक उसको सह लिया था, लेकिन जब इतनी हद हो गई तब भारत ने भी कहा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए और हमें भी कुछ कार्रवाई करना चाहिए। मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद की बात कही। जुलाई 1971 में भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा कर दी गई। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को मदद और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान के दमनकारी कार्रवाई और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जोर शोर से उठाया और हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि कई देश इसके खिलाफ थे, लेकिन भारत ने फिर भी बांग्लादेश की मदद की। सबसे पहले फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, जो मुक्ति कुछ वो खुद ही बोल रहे थे कि देखिए हमको हथियार दो, हमको मदद करो, फिर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो पहले तो मकसद सिर्फ इतना ही था कि देखिए इनको हम इस प्रकार के हथियार दे देते हैं ताकि ये खुद अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर दें। तो ये जो ट्रेनिंग दी थी, एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट हुआ, दूसरा ये ट्रेनिंग भी दी गई। भारत ने बांग्लादेश को न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर मदद की बल्कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने की भी कोशिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा कर पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में किए जा रहे जुल्म और नरसंहार के बारे में बताया। हालांकि अमेरिका ने तब भारत की मांगों को मानने और पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया।
शांति स्थापित करने के भारत के लगातार प्रयास के बावजूद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया, तब भारत को इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होना पड़ा और इसके साथ ही 1971 की भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं और लोगों को पूरा सहयोग दिया ताकि वो पाकिस्तान के पंजे से छुटकारा पा सकें। पॉलिटिकली वो क्या बोलते ये पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली ये आउटरीच जो हुआ इससे भी फिर ये बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए हुआ और उनकी जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी वो भी भारत में थी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ये हमने दिया। और जहाँ तक मुक्ति बाहिनी का सवाल है, उनको जाके फिर ट्रेन करके वो जब ऑपरेशन के लिए जाते थे तो उनके भी पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ योगदान दिया था। 13 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के बहादुरी और शौर्य के सामने हार मानते हुए 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण ने पूरी दुनिया में जहां भारत की मान और शान को बढ़ाया, वहीं भारत ने ये भी दिखा दिया कि मानवता की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह से सक्षम और समर्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और बांग्लादेश के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं। 1947 तक बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। संस्कृति, भाषा और संसाधन के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो दोनों देश साझा करते हैं। बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत बनाने का काम किया। द्विपक्षीय सहयोग और संबंध को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने व्यापक संस्थानिक रूपरेखा का निर्माण भी किया। भारत बांग्लादेश के बीच काफी समानताएं हैं जो इनको आपस में जोड़ती हैं। इनमें साझा इतिहास, साझी विरासत, भाषाई और सांस्कृतिक रिश्ते, संगीत, साहित्य और कला के लिए लगाव शामिल है। स्वाधीनता संघर्ष और स्वतंत्रता की साझी विरासत दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। 1947 तक बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। भारत के सहयोग से 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक आजाद और संप्रभु देश बना। भारत की कोशिशों से ही बांग्लादेश को 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली। दोनों देशों के बीच करीब 4100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। सीमा पर चौकसी की व्यवस्था और इसे बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौता है। 2005 में भारत और बांग्लादेश आपस में प्रत्यर्पण संधि के लिए सहमत हो चुके हैं। एक अलग और स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश की आजादी के तुरंत बाद भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत बांग्लादेश के बीच आर्थिक सामरिक रिश्तों का पुराना इतिहास रहा है। दोनों देश सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन और राष्ट्रमंडल के साझा सदस्य हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच कई विवादित मुद्दे हैं जिनका हल निकालना बाकी है। इनमें जल विवाद, सीमा विवाद, न्यू मूर द्वीप की समस्या, शरणार्थी समस्या, आतंकवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि भारत बार बार कहता रहा है कि सीमा पर घुसपैठ, सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी और भारत विरोधी तत्वों के बांग्लादेश में पनाह लेने जैसे तमाम विवादों का शांतिपूर्ण हल जरूरी है। सार्क देशों में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बाजार है। बांग्लादेश भारत के निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक के रूप में कार्य करता है। 1982 में बांग्लादेश में उदारीकरण के दौर के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में तेजी से बदलाव आया। बांग्लादेश को भारत से होने वाले निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार 750 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2019 में 1,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। बांग्लादेश तेजी से भारतीय उत्पादों के बड़े बाजार में तब्दील हो रहा है। वाणिज्यिक व्यापार के साथ साथ दोनों देशों के बीच निवेश और तकनीकी आदान प्रदान तेज हुए हैं। भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में कपड़ा, रसायन, विद्युत और औषधि उत्पाद के क्षेत्र में भारी निवेश कर रही है।
इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के लिए कई सेक्टरों में आयात पर टैरिफ रियायतें दी हैं। दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने के लिए 3 से 6 अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आई थी। बैठक के दौरान दोनों देशों के प्रमुखों ने संबंधों को मजबूती देने के लिए कुल 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इन समझौतों में भारत से माल की आवाजाही के लिए बांग्लादेश में छत्रोग्राम और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग, त्रिपुरा में पेयजल आपूर्ति के लिए बांग्लादेश की फेनी नदी के जल का उपयोग, बांग्लादेश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के कार्यान्वयन के भारत की प्रतिबद्धता से संबंधित समझौता, बांग्लादेश में तटीय निगरानी रडार प्रणाली की स्थापना, हैदराबाद विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन, युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का नवीकरण शामिल है। 3 द्विपक्षीय विकास साझेदारी परियोजनाओं का भी उद्घाटन 2019 में किया गया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में प्रयोग के लिए LPG का आयात, रामकृष्ण मिशन ढाका में विवेकानंद भवन नाम से छात्रावास का उद्घाटन और इंस्टीट्यूशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स बांग्लादेश में बांग्लादेश भारत व्यावसायिक कौशल विकास संस्थान का उद्घाटन शामिल है। भारत बांग्लादेश के सामरिक संबंध नए आयाम को छू रहे हैं। कई क्षेत्रों में दोनों देश सहमति बनाकर आगे बढ़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।